राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे मैंने पहले बहुत सारे वीडियो डाला है जिसे आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो उसे आप देखें और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को अवश्य कहूँगा कि आप पूरी वीडियो अवश्य देखें। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर उसमें मिलेगा, और जो नहीं समझ आता हो, जो नहीं समझ पाते हो, आप समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके व्हाट्सएप पर आप मुझसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला है उसमें मैंने पूर्वोन्मुखी, पश्चिमोन्मुखी, उत्तरोन्मुखी और दक्षिणोन्मुखी घर के विषय में बताया है कि कहाँ क्या बनाएं और किस तरह घर का नामकरण होता है। ये जो पूर्वोन्मुखी और पश्चिमोन्मुखी है वह कैसे हुआ, इसके विषय में मैंने पहले वीडियो डाल रखा है, उसे भी आप देखें और समझें। आज मैं आपको बताऊंगा ईशानोन्मुखी घर के विषय में, ईशान के तरफ मुख्य दरवाजा हो उसके विषय में मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ क्या बनाना है, किस तरह बनाना है और उसका क्या प्रभाव है, शुभ प्रभाव क्या होगा और कुप्रभाव क्या होगा, आपके अनुकूल क्या होगा और प्रतिकूल क्या होगा। इन दो चीज़ों को मैं आज बताऊंगा इसमें, और उसके बाद बताऊंगा अगर आपके घर में, ईशानोन्मुखी घर में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष हो गया हो, क्या वास्तु दोष हो सकता है उसके विषय में बताऊंगा, और उस वास्तु दोष के निवारण के भी विषय में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा आपके लिए ईशानोन्मुखी घर में अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, आप किस तरह बनाएं उसको, क्या कहाँ बनाएं, इसके विषय में। तो आइए मैं विषय पर आता हूँ। जिन भूखंडों के, अब ईशानोन्मुखी घर कहते किसे हैं उसे आप जाने। तो जिन भूखंडों के उत्तर और पूर्व दोनों ओर मुख्य मार्ग हो वह घर ईशानोन्मुखी कहा जाता है। इस दिशा के देवता हैं शिव और यह दिशा बुध ग्रह का स्थान है। इस प्रकार और जल तत्व यहाँ विद्यमान रहता है, तो इस प्रकार के भूखंड का शुभ प्रभाव गृह स्वामी तथा उसकी संतान पर सीधा पड़ता है। इस दिशा से प्रभावित क्षेत्र आध्यात्मिक, दैहिक, भौतिक उन्नति कारक एवं वंश वृद्धि कारक होता है। ये दिशा का घर बहुत ही शुभ होता है। तो ईशान कोण के वास्तु दोषों का कुप्रभाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि वह सबसे मुख्य कोण है। घर का सबसे मुख्य कोण और सर्वोत्कृष्ट कोण होता है ईशान कोण। ईशान कोण से सब कुछ मिलता है, संतान की वृद्धि, धन की वृद्धि, शांति सब कुछ मिलती है वहां से। तो इसलिए वह कोण, ईशान कोण बहुत महत्वपूर्ण कोण है। इसलिए यहाँ अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष हो गया तो उसका कुप्रभाव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसमें ध्यान अवश्य रखें कि कहाँ क्या बनाना है, किस तरह निर्माण करना है ईशानोन्मुखी घर में। तो आइए मैं बताता हूँ कि जिससे अगर इस दिशा में वास्तु दोष हो गया तो सबसे ज़्यादा कुप्रभाव घर के गृह स्वामी के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर सबसे ज़्यादा कुप्रभाव होता है, जिससे शुभ फल उसका नष्ट हो जाता है और अशुभ फल हर समय मिलता रहता है। यह आठों दिशाओं से महत्वपूर्ण दिशा है ईशान कोण। ऐसे भूखंड पर, इसलिए ऐसे भूखंड पर निर्माण करते समय कुछ बातों को अवश्य ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है उसे सुनिए। सावधानी आपको क्या करनी है ईशानोन्मुखी घर बनाने में। ईशान कोण बिल्कुल कटा अथवा ढका हुआ ना हो, होना चाहिए, अर्थात उस दिशा में आप निर्माण न करें, ढका हुआ नहीं रखें, खुला रखें।
यह कोण किसी भी हालत में अन्य दिशाओं से ऊंचा नहीं होना चाहिए। ईशान कोण के पूर्व की ओर का मार्ग उत्तर मार्ग से नीचा हो। पूर्व का मार्ग अगर उत्तर मार्ग से नीचा हो तो मुख्य द्वार पूर्व में ही बनाएं, इसे अवश्य ध्यान में रखें। भवन के चारों ओर पश्चिम दिशा की अपेक्षा पूर्व दिशा में तथा दक्षिण दिशा की अपेक्षा उत्तर दिशा में खाली जगह अधिक छोड़ने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अर्थात ईशानोन्मुखी घर में पूर्व की ओर ज़्यादा जगह छोड़ें और पश्चिम की ओर कम छोड़ें, और उत्तर की ओर ज़्यादा जगह छोड़ें और दक्षिण की ओर कम जगह छोड़ें। यह आपको हर तरह की वृद्धि देगा। यदि उत्तर मार्ग पूर्व से नीचा हो तो भवन का मुख्य द्वार उत्तर की ओर ही बनाना हितकर है। उत्तर या पूर्व जिधर ज्यादा नीचा हो उधर ही अपना भवन का मुख्य दरवाजा रखिए, मुख्य द्वार उधर ही बनाना है आपको। भूखंड का झुकाव यदि पूर्व आग्नेय की ओर 10 डिग्री या इससे अधिक हो तो मुख्य द्वार उत्तरी ईशान अर्थात उत्तर पश्चिम की ओर कोण में बनाने पर पूर्व में एक और द्वार निर्माण कराना चाहिए। यदि भूखंड उत्तरी वायव्य उत्तर पश्चिम में 10 डिग्री या इससे अधिक झुका हो तो भवन का प्रवेश द्वार बाउंड्री वाल में पूर्वी ईशान अर्थात उत्तर पूर्व के कॉर्नर में पूर्व दीवाल में बनाएं तथा उत्तर में भी एक द्वार अवश्य बनाएं। ट्यूबवेल भवन के ईशान कोण में नहीं बनवाना चाहिए। ट्यूबवेल जो आप बनवाएंगे उसे घर के ईशान कोण में नहीं बनवाइए। तो कहाँ बनवाना है आपको, बल्कि संपूर्ण भूखंड के ईशान कोण में बनवाना है आपको, संपूर्ण भूखंड के ईशान कोण में बनवाना है। गृह ईशानोन्मुखी भूखंड पर निर्मित भवन के ईशान कक्ष में दक्षिण पश्चिम में द्वार है पर उत्तर पूर्व में नहीं है तो ईशान कोण को ढकने के समान है। यहाँ क्या कहता है हमारे ज्योतिष शास्त्र कि ईशानोन्मुखी भवन जो है उसमें निर्मित कक्ष जो है आपका कमरा है, दक्षिण पश्चिम में द्वार है। अगर आपका दक्षिण पश्चिम की ओर द्वार हो और उत्तर पूर्व में नहीं हो अर्थात आग्नेय कोण में आपका द्वार हो और अगर ईशान कोण में द्वार नहीं हो तो वह ईशान कोण को ढकने के समान माना जाता है। अतः ईशान के पूर्वी या उत्तरी ईशान में एक और द्वार आप अवश्य बना लें। अनुकूल प्रभाव क्या क्या है आपके ऊपर इस घर में, कि अगर ईशान कोण में नहर हो, तालाब हो, नदी हो, कुआं हो तो ऐसे भूखंड के निवासी सुख शांति वैभव तथा वंश वृद्धि को प्राप्त करते हैं। ईशानोन्मुखी भूखंड के उत्तर एवं पूर्व के मार्ग आपस में आकर इस प्रकार मिलें कि ईशान कोण में वृद्धि हो जाए तो निर्मित भवन के निवासी वंश वृद्धि के साथ बुद्धिमान, मेधावी, त्यागशील एवं चरित्रवान संतान प्राप्त करते हैं। पूर्व की ओर ढलान वाली छत परिवार के पुरुषों के लिए लाभदायक रहती है। उत्तर की ओर ढलान वाली छतें महिलाओं के लिए उत्तम है। घर में प्रयोग के बाद जल एवं वर्षा का पानी भवन एवं भूखंड से बाहर केवल पूर्व, उत्तर अथवा ईशान कोण की ओर निकालने से सब प्रकार से समृद्धि एवं वंश की अभिवृद्धि निरंतर प्राप्त होती रहेगी। इस दिशा में पूजा घर एवं अध्ययन कक्ष बनाना शुभ होता है। वह स्थल जहाँ भवन निर्माण एवं खाली छोड़ा हुआ स्थान बरामदे आदि ईशान उत्तर पूर्व में अन्य भागों से नीचा होने से घर परिवार के लोग
समृद्धशाली जीवन यापन करते हैं। अर्थात पूर्व और ईशान कोण में भूमि अगर नीची हो अन्य दिशाओं की अपेक्षा, तो आपको अधिक सुख मिलेंगे, अच्छे रहेंगे। यह दिशा चूंकि पृथ्वी तत्व से प्रभावित होती है, अतः पीला मटमैले रंग का प्रयोग इस दिशा में लाभदायक रहता है। इस दिशा में पहाड़, ग्लोब, स्फटिक अथवा मिट्टी से बनी वस्तुएं रखना हितकर होती हैं। ये आपके अनुकूल प्रभाव हैं। और अब इसके प्रतिकूल प्रभाव जो आपको नहीं करना चाहिए, उसके विषय में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, और फिर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको वास्तु दोष का निवारण भी बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आप इसे अवश्य देखें और समझें। कुछ समझना हो तो मुझे कमेंट करें। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राधे राधे दोस्तों।